रिकॉर्डिंग्स, तो जानते हैं आज की उनकी दिल की बातें, ठीक है? We got the objects over here, butterfly, oracle, tarot, and surprising one. Okay, so देखते हैं क्या है आज fortune cookie for them, ठीक है? चलो चुनते हैं, एक चुनते हैं आप दोनों के लिए और एक चुनते हैं सिर्फ उनके लिए, ठीक है? एक चुनते हैं उनके लिए, चलो ये चुन ली गई, एंड आप दोनों के लिए ये चुन लिया गया, ठीक है? चलो देखते हैं. So, जो फॉर्चून कुकी आई है फॉर देम इज लाइक दिस, ठीक है? रिफ्लेक्शन. ओके, फ्रेंडशिप्स इन योर लाइफ मे कम टू एन एंड, अदर्स कुड ब्लॉसम एंड बिकम स्ट्रॉन्गर, ठीक है? तो कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट करता है थर्ड पर्सन के लिए, ठीक है? अगर आपके हिसाब से इनके ज़िंदगी में कोई एक ऐसा पर्सन था जिसकी वजह से आप दोनों के ज़िंदगी में भौकाल मच गया था, प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए थे, या फिर यू नो ये पर्सन उनको ज़्यादा तवज्जो देता था, तो चाहे वो पर्सन कुछ भी हो, आपके हिसाब से वो अगर थर्ड पर्सन टाइप है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच दूरियाँ बढ़ती चली जा रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, एंड जल्दी ये दोनों सेपरेट हो सकते हैं, ठीक है? ये तो एक अंदाज़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये शायद उनकी ज़िंदगी में रिफ्लेक्ट हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे आ गया रिफ्लेक्शन. और अब देखते हैं आप दोनों के लिए क्या कार्ड आ गया है, और वो है जेलसी. यस, दोनों ही कार्ड परफेक्टली रेजोनेट है, ठीक है? वॉच हु यू ट्रस्ट विद योर पर्सनल सीक्रेट्स एंड प्लान्स, स्पेंड टाइम आउटडोर्स विद नेचर टू रिकनेक्ट एंड रिप्लेनिश, ठीक है? तो कहीं ना कहीं आप दोनों के हिसाब से जो रीडिंग आ गया है, कहीं ना कहीं जेलसी के शिकार ये पर्सन भी हो सकता है, कि आपको लग रहा है कि ये पर्सन कुछ उल्टा यू नो सीधा काम कर रहा है. तो ऐसा है या नहीं है ये तो डिपेंड करता है जब आपको पक्का सबूत मिलेगा, लेकिन अगर हम किसी बात के ऊपर चर्चा करने वाले, तो यही बात है कि कहीं ना कहीं पे जो एक नेगेटिव पॉइंट होता है जिंदगी में, ठीक है? जैसे कि मान लो किसी पर्सन के कारण अगर दो लोगों के बीच दूरियां आती हैं, तो पर्सन कभी भी खुद ही चला जाता है, ऐसा कुछ हो सकता है. लेकिन आपकी जिंदगी में अगर जेलसी नाम का कोई वर्ड है, तो इसका अस्तित्व कुछ देर और रह सकता है, तो शायद कुछ दिन या कुछ हफ्ते भी ये वर्ड रह सकता है, ठीक है? आप देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है. ओके, चलो देखते हैं क्या है रीडिंग, ठीक है? लेट्स कनेक्ट विद टैरो, ठीक है? चलो 1, 2, 3 and 4, 5, ठीक है? चलो एक 6 कार्ड भी लिए, ठीक है? तो अब देखते हैं कि रीडिंग क्या है. कैट्स हंगामा मचा रहे हैं यहाँ पे. ओके, सो जो रीडिंग आ गई है वो कुछ इस कदर है. पहला कार्ड जो आ गया है, एज यू कैन सी ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि टॉवर ही पहला कार्ड आ चुका है. सिग्निफिकेंट लाइफ एक्सपीरियंस दैट रिक्वायर्स चेंजेस टू बी मेड, पावरफुल एंड ऑफन अनएक्सपेक्टेड रिलेशंस, ब्रेकिंग फ्री ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन, रिलीजिंग ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स, ठीक है? तो जैसा कि इनके लिए आ गया था फॉर्चून कार्ड, कहीं ना कहीं अगर कोई थर्ड पर्सन है आपके हिसाब से, तो वो और इनके बीच दूरियां बढ़ती चली जाएगी, रिश्ता खत्म हो सकता है. उस तरीके से यू नो जो भी इनका अगर किसी के साथ कुछ रिश्ता था, या फिर यू नो बस एक शायद उन्होंने कुछ ऐसे ही बात बनाई थी, या फिर अगर वो रियल था, तो कहीं ना कहीं आप दोनों के सामने वो जरूर आ सकता है, ठीक है? और वो आने के बाद क्या हो सकता है, यू कैन इमेजिन. थोड़ा धक्का लग सकता है, शायद रिश्ते में कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं. आप में से कई लोगों को शायद ये महसूस होता होगा कि समथिंग इज हैपनिंग, यू नो. और ऐसा नहीं कि सुबह सुबह या यू नो ये पता लगेगा, या फिर दोपहर को पता लगेगा, शाम को पता लगेगा, ये किसी भी वक्त हो सकता है, ठीक है? जैसे कि मान लो ये पर्सन किसी काम में बिजी है, आपने उनका फ़ोन चेक किया और कुछ मैसेजेस मिला आपको, लगा कि भाई ये कुछ तो सीक्रेटिव है, यू नो. तो ऐसे ही कुछ वजह मिलती है किसी को शक करने के लिए, एंड फिर चीज़ें जो है वो ऐसी होनी शुरू करती है, ठीक है? नेक्स्ट कार्ड है वो है 5 of Cups, एज यू कैन सी कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, फोकसिंग ऑन द नेगेटिव, पहला यहाँ पे कार्ड दिया गया है. क्या होता है ना कई बार कि इंसान जो है फिर किसी से नफरत करने लगता है, या फिर दूरियां बनाते रखता है, ठीक है? अब यहाँ पे दो चीजें हम देख सकते हैं, आपकी नफरत इनसे है, या फिर जो इनसे कनेक्टेड है उनसे है. और अगर इनकी बात करें तो शायद ये आपसे गुस्सा हो सकता है कि आपने कैसे ऐसा डिसीजन ले लिया, ठीक है? तो आपको भी समझना कि भाई ये अगर किसी से बातचीत कर रहे हैं, मतलब इनका उनसे कुछ नाता बन चुका है, ऐसा नहीं है. कई बार इंसान बस दोस्ती के खातिर कुछ लम्हे बिताता है और कुछ नहीं होता. तो ऐसे में अगर गलत तरीके से आपने इनको जज किया, तो ये पर्सन बुरा मानने वालों में से, ठीक है? 6 of Cups, तो डायरेक्टली उसके बाद जो एक साइन आ गया है, हमें उसका नेक्स्ट वाला कार्ड भी देखना होगा. यस, ये है 9 of Swords, ठीक है? जैसे हमने कार्ड देखा, तो यहाँ पे क्या रीजन आ रहा है, चिल्ड्रन, या फिर रिविजिटिंग ओल्ड ड्रीम्स और प्लान्स.
ये पर्सन जो है वो आप दोनों की जो रिलेशनशिप की शुरुआत है वहां तक जाना चाहता है, किस तरह से आपने शुरुआत की थी एंड फिर कम्युनिकेशन किया था, क्या तब आपके बीच कोई प्रॉब्लम था? जब भी आप मिले होंगे, जब भी आपने बातें की होंगी, क्या तब ऐसा था कि भाई इनकी गर्लफ्रेंड है, आपका बॉयफ्रेंड, ऐसा कुछ था? बिल्कुल नहीं, आपने बस बातचीत करनी शुरू कर दी, धीरे धीरे जाना एंड फिर हकीकत फसाना बन गया, यू वर लाइक कि भाई मुझे आपके साथ कम्युनिकेट करना है, ठीक है? तो ये जो मोमेंटम है ये वो खोजना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि आप इनमें कुछ नुक्स निकाल रहे हैं। साथ ही में एक ऐसा भी पल है कि शायद वो किसी और को अलग तरीके से देखते हैं, डजंट मीन कि वो किसी को चाहते हैं, ठीक है? उन्होंने अगर किसी के साथ टाइम स्पेंड किया है तो शायद उनको इनकी जरूरत थी, उस पर्सन को, मे बी शायद वो ब्रेकअप से गुजर रहा है या फिर उस पर्सन को इनकी फ्रेंडशिप की जरूरत है, यू नो। लेकिन जब आप अलग एंगल से देखते हो तो चीजें अलग दिखती है, एंड यही बात होती है, कहीं ना कहीं आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा। नाइन ऑफ सॉर्ड्स आ गया है, तो ये पर्सन, जैसे कि ये कार्ड आ गया है, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन, अनफाउंडेड फियर, मतलब ऐसा डर जो हकीकत में है ही नहीं, ठीक है? तो ऐसे अगर बातें कहीं ना कहीं आपको लग रही है, जैसे कि मान लो आपको किसी के ऊपर गुस्सा आ गया, आपने इनको कुछ बोल दिया, ठीक है, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं उस पर्सन से बात नहीं करूंगा, लेकिन वो पर्सन कौन था इनके लिए? शायद एक बहुत अच्छा कलीग था या फिर एक बहुत अच्छा दोस्त था। अब क्योंकि वो दोस्त उनकी जिंदगी में आएगा नहीं, तो वो जो पल वो बिताते थे उस दोस्त की याद में, दोस्त से बात करके, वो अब क्या करेंगे? तो अब ये उनकी जिंदगी में शुरू हो गया नाइन ऑफ सॉर्ड्स, मतलब फिर तकलीफें शुरू हो रही हैं कि वो आपको बयान नहीं कर पा रहे हैं, आप उनको समझ नहीं पा रहे, और ये सब किसकी वजह से हुआ? नेगेटिव थॉट्स की वजह से। दो ही कार्ड बचे, जो कि है ईगो यानी कि डेविल कार्ड यहाँ पे आ चुका है, एंड नेक्स्ट जो है वो है किंग ऑफ पेंटेकल्स, ठीक है? अगर हम दोनों कार्ड्स का मतलब रखें तो ये देखो, ये पेंटेकल्स यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, किंग यानी कि टॉप मोस्ट कार्ड है, एंड ये है ईगो, ठीक है, द इल्यूजन ऑफ बीइंग ट्रैप्ड। तो डेविल क्या करता है? मैनिपुलेट करता है, ठीक है? ये जो कार्ड है वो क्या है कि भाई कहीं ना कहीं पे जेलसी इतनी बढ़ गई कि आपने क्या सच्चा है और क्या झूठ है वो देखा ही नहीं, ओके? जैसे कि कहते हैं ना कि भाई जब किसी को प्यास लगती है, यू नो, आपने भी कई बार अनुभव किया होगा कि मान लो आप गर्मी के मौसम में अगर कहीं बाहर पड़े तो रास्ते पे ऐसा दिखता है कहीं भी पानी है, लेकिन वहां पे पानी होता नहीं है, गाड़ी से तो आपको दिखता ही होगा, ठीक है? तो एक माया जाल छल होता है। तो उसी तरीके से क्या होता है ना कि कई बार कुछ लोग होते हैं वो बातें बनाते हैं या फिर कुछ बातें कहते हैं, आपको लगता है कि भी हाँ ये सच होगा। देखो, हर कोई जो बात कहे वो सच हो ऐसा लाजमी नहीं है, एंड सेकेंडली जो भी कुछ कहे या फिर कह रहा है उससे उस पर्सन का कोई तो कनेक्शन है, डजंट मीन कि आपका कनेक्शन होगा। जैसे कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं आपको पता है, किसी ना किसी ने कुछ कहा इसका मतलब आप बुरे हुए ऐसा नहीं होता है ना। ऐसे किसी भी क्रिकेटर को ले लो या फिर किसी स्पोर्ट्स स्टार को ले लो, उस पर्सन के बारे में हजारों लोग बातें करते हैं, तो क्या वो हो गया? वो तो अपनी जिंदगी जी ही रहा है, उसने किसको डेट किया या फिर उसने सिक्सर मारा या फिर वो क्लीन बोल्ड हो गया, तो लोग बातें तो करते ही हैं, डजंट मीन कि वो पर्सन वो है। उस दिन कुछ चीज ऐसी हो गई, दैट्स इट, ठीक है? लेकिन जो नेक्स्ट कार्ड है वो किंग ऑफ पेंटेकल्स, तो ये जो है वो प्रैक्टिकलिटी है। आपको ये ध्यान में लेना होगा कि ये पर्सन जो है प्रैक्टिकलिटी के ऊपर ही बेस्ड करता है अपने सारे डिसीजन। ये बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता कि भाई कहीं ना कहीं आप बुरा माने वगैरह ऐसा कुछ हो, ये पर्सन चाहता है कि भाई आप दोनों जो है मिलके अपना रिश्ता सही करें, ठीक ठाक करें। तो भी अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो आपके पास मौका है, आप चीजें सही कर सकते हो, ठीक है? अब देखते हैं हमें क्या मिलता है फ्रॉम द बटरफ्लाई ओरेकल, ठीक है? चलो यहाँ से कुछ ही कार्ड लेते हैं हम, एंड फिर देखते हैं कि क्या रीडिंग आती है। चलो ये कार्ड आ गया और देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं, दूसरा, तीसरा, ठीक है, चौथा एंड पांचवा, छठवा, ठीक है? यहाँ पे भी सात छह कार्ड्स आ चुके हैं, देखते हैं क्या है रीडिंग, ठीक है? देखो पहला जो कार्ड है वो आई विल वेट फॉर यू, ओके? ये पर्सन वेट कर रहा है या फिर वेट कर चुका है, डिपेंडिंग ऑन। अगर ये आपके किसी एक्स के बारे में जो हाल ही में मूव ऑन हुआ है, तो शायद ये उसकी तरफ से था कि अब वो मूव ऑन होना चाहता है, लेट हिम और हर मूव ऑन, ठीक है? सेकंड जो कार्ड है वो मेडिटेशन। तो इस पर्सन के लिए और आपके रिश्ते के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ध्यान करना, सच में आप जानिए कि आपको क्या चाहिए, सुकून चाहिए या फिर प्यार चाहिए या फिर आपको बस लग रहा है कि आपकी अकेले की ख्वाहिश है, क्लियर करना होगा। अभी वेटिंग फॉर टुमारो, कहीं ना कहीं आपकी तरफ से जज्बात हो सकते हैं कि भाई आप फिर भी उनका राह देखोगे। देखो राह देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये पर्सन आने वाला है तो जरूर आएगा, आज कल नहीं तो परसों आएगा, लेकिन डजंट मीन कि आप उसकी राह देखते हुए सब चीजें खत्म करो, ठीक है?
आप खुद भी इनके तरफ जा सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, इनसे पूछ सकते हो, फिर आपको उनका जवाब जरूर मिल जाएगा। What should I do? तो इन वही कन्फ्यूजन की अवस्था हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। जैसे कि हमने देखा कि डेविल कार्ड आ गया था, टावर कार्ड आ गया था, दोनों ही कार्ड जो है बहुत ही पावरफुल कार्ड्स हैं। एंड वो क्या बताते हैं कि भाई कहीं ना कहीं पे जो मिस्टेक हो रही है हमारी वो बताते हैं। कई लोगों को लगता है कि टेम्परेंस का कार्ड आ गया है तो बहुत अच्छा है, ठीक है, या फिर कुछ और कार्ड आ गया लवर्स तो वो अच्छा है। वो अच्छा होता है ऐसा किसने कहा, वो बस एक अंदेशा है। जैसे कि मान लो आप बस एक दूसरे के बारे में फील कर रहे हो तो लवर्स आ गए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब टावर कार्ड आ गया है, डेविल कार्ड आ गया, मतलब कहीं ना कहीं जेलसी जो है वो बहुत आगे बढ़ रही है और आप खुद ही मैनिपुलेट हो रहे हो और कर भी रहे हो किसी को मैनिपुलेट, तो आपको ये रोकना होगा। ये संदेश आ गया आपको कार्ड से। अब जो दो कार्ड है वो है येस आई रिसीव मैसेज एंड आई लव यू, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर इस पर्सन को अभी भी उसके दिल में अगर कुछ है तो आपसे जरूर कम्युनिकेट करेगा एंड आपसे बातें करेगा। डोंट वरी अबाउट इट, बस उसको अपना समय दीजिए। अगर उसको लगता है कि भाई मुझे कम्युनिकेट करना चाहिए तो जरूर करेगा, नहीं तो थोड़ा और आपको रुकना पड़ सकता है। रीडिंग आप रिजल्ट।